हजारीबाग के किरेडारी के लोकनाथ की पत्नी गर्भवती थी और डॉक्टरों ने उन्हें बड़े शल्य क्रिया से प्रसव का सुझाव दिया था। लोकनाथ ईंट के भट्टे में काम कर अपनी आजीविका चलाते हैं, ऐसे में उनके लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से बड़ी राहत मिली है। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तरफ से जो ऑपरेशन हुआ है उससे हम खुश हैं और उस ऑपरेशन में पैसा नहीं लगा। जिले की रहने वाली साबिया को भी अपेंडिक्स की बीमारी थी और वे अक्सर दर्द से कराहा करती थीं। आयुष्मान भारत योजना के तहत साबिया ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से सूचीबद्ध होकर निशुल्क ऑपरेशन कराया और उनका दर्द जाता रहा। और मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगी इस योजना को बनाने के लिए, और बाकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी इलाज इस योजना के तहत अच्छे हॉस्पिटल्स में और अच्छी सुविधा के साथ हो पाए। हजारीबाग के बड़का गांव की रहने वाली जीरवा देवी को भी अक्सर दर्द की शिकायत रहा करती थी। उन्हें बच्चेदानी का इन्फेक्शन था और डॉक्टरों ने शल्य क्रिया की सलाह दी थी। इस ऑपरेशन में बड़ा खर्च था, लेकिन प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से उन्हें काफी सहूलियत हुई है। डॉक्टर से इलाज करके मुँह बोलिया कि ऑपरेशन हो, ऑपरेशन कराइए। ऑपरेशन कराए के ओकर बाद ने दर्द निकला दीजिए डॉक्टर, निकला के ओकर बाद ने यहाँ इलाज चले थे अभी। जिले की मसीपीढ़ी की रहने वाली प्रतिभा की मां को भी बच्चेदानी में कुछ परेशानी थी। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से उनका इलाज संभव हो पाया। यहाँ आयुष्मान भारत योजना के द्वारा यहाँ पे निशुल्क किया जा रहा है, पेशेंट को अच्छे से ध्यान रखा जाता है, यहाँ पे अच्छी से अच्छी बीमारी ठीक हो रही है, अभी मेरी माँ अच्छी है पहले से। हजारीबाग के अस्पताल प्रबंधक भी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को वंचित वर्गों तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित हैं। जिले के एक निजी अस्पताल के प्रबंधक ने बताया कि उनके यहां अब तक इस योजना के माध्यम से 20 मरीजों का सफल इलाज और ऑपरेशन हुआ है। इस पूरे जिले में, इस हजारीबाग जिले में पूरे 5 हॉस्पिटल चयनित किए गए हैं, ठीक है, एम्पैनल किए गए हैं, जिसमें से कि एक हमारा हॉस्पिटल है, एक सनशाइन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। अभी तक हम लोगों ने आयुष्मान भारत के तहत 18 से 20 ऑपरेशन सफलतापूर्वक हम लोग ने कर दिया है, और यहाँ पे जो भी पेशेंट आते हैं वो खुशी खुशी यहाँ से अपना सारा इलाज करा के जा रहे हैं। झारखंड समेत देश भर में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का बेहतर क्रियान्वयन हो रहा है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर तबकों और अभावग्रस्त लोगों का महंगे अस्पतालों में भी निःशुल्क इलाज हो पा रहा है। इस बड़े बदलाव से देश में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में बड़ी क्रांति आ गई है। हजारीबाग से शादवल कुमार की रिपोर्ट।